हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 26 होने वाला है एसएससी जीडी के जीएस की क्लास में। ठीक है, देखिए इसके पहले जो मैंने 25 क्लासेस अपलोड किए हैं उसको मैंने एक एक क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा डिटेल से कराया हुआ है, और उसमें कुछ क्लासेस ऐसे भी हैं जिनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कराया गया है। तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए उतना समय तो नहीं है कि अब हर एक क्लास को बैठकर किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम मतलब पास में ही है। तो आप लोग केवल ऐसे वीडियो को मतलब देख सकते हैं, तो प्लेलिस्ट को आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस संविधान से लिया गया है? किसके संविधान से लिया गया है? देखिए इस क्लास में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल किया गया है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर लें। ठीक है, देखिए यदि आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं एसएससी जीडी के लिए, तो मैंने हिस्ट्री की क्लास अपलोड किया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिए, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक्स, जीके, इकोनॉमिक्स, साइंस की क्लास मैंने अपलोड कर दिया है। आपको सारी क्लासेस अभी नहीं दिख रही होंगी, लेकिन एक एक करके सारे क्लासेस आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। अभी केवल आपको हिस्ट्री की क्लास जो है वो आपको दिख रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री की जो क्लास है उसमें केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही डिस्कस कराया गया है। उसके बाद आपको ज्योग्राफी की क्लास कुछ दिन बाद दिखेगी, मैंने अपलोड कर दी है, उसमें भी सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही डिस्कस कराया गया है। यानी कुल मिला के मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें सारे के सारे एसएससी जीडी के लिए ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल हैं। तो यदि आप ये वीडियो नहीं भी देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, साइंस, इकोनॉमिक्स की जो क्लास मैंने अपलोड किए हैं वो आपको एक एक करके दिखने लगेगा, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि जब आप उसको प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में, तो हो सकता है वहां से आपको क्वेश्चन दिख जाए और आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो पाएगा। ठीक है, तो क्लास को जरूर करिएगा और इस क्लास को भी पूरा अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपको बता ही दिया, भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस संविधान से लिया गया है, किसके संविधान से लिया गया है? पहले पेंसिल थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर बताते हैं कहाँ किसके संविधान से लिया गया है। तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को कौन से संविधान से लिया गया है, मतलब किसके संविधान से? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनयाकरम एक वादक हैं, पखावज, ढोलकी, तबला या घटम? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घटम से यह संबंधित हो जाएंगे। चलिए इनके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनयाकरम एक घटम वादक हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया ऑप्शन में। इन्हें घटम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। इनका जन्म वर्ष 1942 तमिलनाडु में हुआ था और इनके पिता एक विख्यात ताल वादक थे। ठीक है, और इनके पहले गुरु भी यही थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक बार पेंसिल और पेन जो है उसका कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बार बार कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 353 कह रहा है, चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष में शुरू हुई थी, एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 को आया हुआ था, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सारे के सारे टाइप किए हुए हैं, तो कुछ मिस्टेक हो जाएगा, तो उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करूंगा जो गलत हुआ है उसको मैं आपको सही बता दूँ, गलत नहीं बताऊँगा। ठीक है, भरोसा कर सकते हैं इस चैनल पर। चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष में शुरू हुई थी 1969 में, 1973 में, 62 में या 1966 में? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बैंकों के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है अंतिम ऋणदाता के भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक? करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 355 क्या कह रहा है, एक व्यापार नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है, यह दूसरे शिफ्ट में पूछा जा चुका है, स्थानीय व्यापार, स्विस व्यापार, मुक्त व्यापार या निष्पक्ष व्यापार? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त व्यापार, ये इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन है।
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 356 क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के वित्तीय लेनदेन करने में सक्षम बनाती है। देखिए जो इकोनॉमिक्स की क्लास है मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल हैं, लेकिन वो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, तो अभी 3-4 दिन में आपको वो क्लासेस दिख जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन कह रहा है अंतर्राज्यीय बैंकिंग, बी कह रहा है एकल प्रविष्ट प्रणाली, इंटरनेट बैंकिंग या इंटर कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट बैंकिंग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आईपीआर 1956 ने पंचवर्षीय योजना की नींव कब रखी थी। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी नींव रखी थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। 13 फरवरी 2023, शिफ्ट नंबर 4th, निष्क्रिय, प्रतिकूल, सकारात्मक या नकारात्मक। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 359 क्या कह रहा है। भारत के गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक सेवा स्व नियोजित महिला संघ की शुरुआत में हुई थी, कब हुई थी। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ है, ये आपके साइंस का क्वेश्चन हो जाएगा, क्रोमेटीन, केंद्रक, कोशिका द्रव्य या माइटोकॉन्ड्रियन। इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है, फास्फोरस, कार्बन, मेथेन या ऑक्सीजन। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 362 कह रहा है कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जीकाय जैसे होते हैं, क्या होते हैं। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिकांग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं, 4, 5, 1 या 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, 2। किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताइए। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्वेश्चन नंबर 366 कह रहा है पादप कोशिका में प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। 31 जनवरी 2023 को शिफ्ट नंबर 3rd में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण के नीचे कॉर्क के टुकड़े को देखा तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका। अगला प्रश्न कह रहा है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। अधिक उपज देने वाली खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, दूध का उत्पादन कम करना, भूमि के कुल क्षेत्रफल में वृद्धि करना या क्लोरोफ्लोरो रसायन की खपत को कम करना। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक उपज देने वाली खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। अगला प्रश्न कह रहा है आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 और 21। इन्हें आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है भारतीय संविधान में अंतरिम अनुच्छेद को संख्या दी गई। मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बताना है। 11 जनवरी 2023 को यह प्रश्न पूछा जा चुका है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऊपर नीचे हो गया है, पहले ए हो गया है फिर सी मैंने टाइप कर दिया है, बी डी। तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होइए, आप लोग यहाँ तो देख सकते हैं ना 380, 385, 95 या 90, इनमें से तो बता ही सकते हैं ना कौन सा सही है। तो आपको दिख रहा है 395 यहाँ पे अनुच्छेद हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी लिखा हुआ है, तो आप लोग बी यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे बी कर देता हूँ, यहाँ पे सी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुल मिला के आप लोग जो यहाँ पे टाइप किया होता है वो उस पे देखा करिए, क्योंकि कभी कल टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाती है, काम बहुत ज़्यादा रहता है, क्लास भी 2-3 लगातार मतलब रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि बाद में रिकॉर्ड ना करना पड़े, क्योंकि काम ज़्यादा रहता है, तो इसकी वजह से कभी कल हो जाता है, तो उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बड़ा वाला सॉरी, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 395 ये सही रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 371 देख लेते हैं।
भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सातवीं। क्वेश्चन नंबर 372 क्या कह रहा है? भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 जनवरी 2023 को एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 373 कह रहा है, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? 1 फरवरी 2023 को यह आया हुआ है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, 13वीं, 11वीं या 12वीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है? कौन सा संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वह भारत संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित हो जाएगी। 8 फरवरी 2023 को यह एग्जाम में आया हुआ है। मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके इसलिए टाइप किया हुआ है ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं कहीं से भी क्वेश्चन उठा ला रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है, ट्रस्ट करिए। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के हैं। जब आप अभी मैंने जो हिस्ट्री की क्लास आपको दिख रही होगी जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कराया हुआ है, बुक का पीडीएफ आपको लगा होगा, तो आप लोग वहाँ से श्योर तो हो ही सकते हैं कि सारे के सारे सही हैं, ठीक है? क्योंकि क्या हुआ, क्या होता है जब नया नया चैनल रहता है तो कोई ट्रस्ट नहीं करता, तो ऐसा मत क्या करिए, क्योंकि जो भी पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल सही पढ़ाया जा रहा है। आप लोग हिस्ट्री की क्लास अभी आप लोगों को दिख रही होगी एसएससी जीडी के लिए, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल हैं, उसको आप लोग चेकआउट जरूर करिए। उसमें आपको ये पॉलिटी के क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, लेकिन उस क्लास को जब आप करेंगे ना तो ये पता जरूर लगेगा कि सर जो पढ़ा रहे थे ठीक पढ़ा रहे हैं, कुछ भी गलत ऐसा नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ दिन बाद आपको पॉलिटी की क्लास जब दिखेगी तो उसमें आप लोग देखिएगा, ये जो अभी मैंने सारे क्वेश्चन आपको पॉलिटी के जो डिस्कस करा रहा हूँ, ये आप लोग नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व तो किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, और मैंने ये क्वेश्चन आपको पॉलिटी का कराया, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, ये सारे क्वेश्चन आपको पॉलिटी की क्लास में आपको देखने को मिल जाएंगे जब आप लोगों को वो क्लास दिखने लगेगा जो मैंने अपलोड किया है एसएससी जीडी के लिए, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल हैं। उस क्लास को जब आप लोग करेंगे तो श्योर जरूर हो जाएंगे कि सारे सारे उसी क्लास में से ये उठाकर यहाँ पे लाया गया है। तो चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने 374 क्वेश्चन का आंसर बताया आपको, ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 376 क्या कह रहा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्ड में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मई 2022 के अनुसार आपको बताना है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं तो मई 2022 के अनुसार आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मई 2022 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसे वहाँ पर लिखा हुआ था सेम यहाँ पर टाइप कर दिया गया है। तो मई 2022 के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 11 किया गया है, ध्यान रखिएगा। आज के क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक, शेयर और कमेंट से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ऐसा लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग शेयर, लाइक और कमेंट जरूर किया करें, हमें बहुत अच्छा लगता है आपके एक कमेंट से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, यहाँ पर आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहते हैं। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट को भी चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पॉलिटी की क्लास मिल जाएगी, एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज आपको कराया जा रहा है। फिलहाल आपको केवल हिस्ट्री की क्लास शायद मुझे दिख रही होगी ऐसा लग रहा है, या ज्योग्राफी की क्लास भी दिख रही होगी, और सारी जो इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक, जीके, पॉलिटी अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कुछ 3-4 दिनों में आपको क्लास वो दिखने लगेगा, ये मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। 6:30 बजे करेंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को जरूर देखा करें। और ये जो जीएस की क्लास है 8:05 पर अपलोड किया जाता है, जल्द ही ये क्लास हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा, बस 5-6 क्लास और है, उसके बाद आपको एंड कर दिया जाएगा, या आपको देखने को क्लास नहीं मिल पाएगा, ठीक है? तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।